जी आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि रोजगार मेले के तहत जो नियुक्ति जो एनरोलमेंट करी गई है उसका जो है फास्ट ट्रैक पर ये भर्तियां करी गई हैं और आज के उसके जो अपॉइंटमेंट लेटर बांटे गए हैं ये तकरीबन 3000 जो बच्चे बच्चियां हैं जम्मू कश्मीर के ये सिलेक्ट किए गए हैं अलग अलग ज़िलों से। और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे जिला कठुआ के 214 बच्चे इसमें सेलेक्ट हुए हैं जिनको आज ये नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। मैं इन बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इनकी जो आने वाला जो ये अपना भविष्य का जो ये अपना करियर शुरू कर रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं और इनके लिए मंगलमय की दुआ करता हूं। ये बड़ा सराहनीय कदम है जो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट द्वारा लिया गया है, माननीय एलजी साहब द्वारा जो ये नियुक्तियां की गई हैं इसमें पारदर्शिता भी है और ये एक लोगों को जो जम्मू कश्मीर में हमेशा से ये रहा है कि रोज़गार की समस्या जो है उसको भी सॉल्व करने में इससे जो है निजात मिलेगी। मैं जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन और खासकर नरेंद्र भाई मोदी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने आज वीडियो के द्वारा जो है संबोधित भी किया है इस कार्यक्रम को, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ, अलजी साहब को धन्यवाद देता हूँ, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन और जो हमारा कठुआ का इंतज़ामिया है इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर आज आए हैं इस कार्यक्रम में इनको भी धन्यवाद और मुबारकबाद देता हूँ, धन्यवाद। आपने देखा होगा कि मेले लगते थे, कृषि मेला, बैसाखी मेला, फलाना मेला, अब रोजगार मेला। ये भारत सरकार की नीति है कि युवाओं को, बेरोजगारों को आगे लाना है और उनको जॉब देना। तो ये जो आज 3000 के करीब जे के यू टी में जो नियुक्ति पत्र बांटे गए तो नेशनल लेवल पे हम संबोधन सुन रहे थे नरेंद्र भाई मोदी जी का और ये के यू टी में हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब और हमारे ऑनरेबल एलजी साहब, तो यहाँ हमारे जो जिला लेवल पे हमारे चेयरमैन साहब और हमारे डीडीसी के हमारे काउंसलर्स और एडमिनिस्ट्रेशन के सारे हमारे ऑफिसर्स, तो आज मिलके जो युवाओं को ये जे एंड के में जे के यू टी में आज इनको एक वरदान मिल रहा है, तोहफा है। क्योंकि मैंने एक बार सुना था कि एलजी साहब ने कहा था कि यूपी और जे के यू टी दोनों स्टेट्स का कंपैरिजन करना हो तो उसका रकबा उसकी आबादी के हिसाब से जे के यू टी के अंदर एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, अगर बैलेंस करना हो तो। हम खुशकिस्मत हैं कि हमारी जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो यूपी से भी ज़्यादा है।